हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डी पी आर, आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आज आपको एक चीज़ बता दूँ कि कंपनी के किसी भी कंपनी को बाई करने से पहले हम कुछ फंडामेंटल चेक करते हैं। तो उसमें एक फंडामेंटल की होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर पैटर्न प्रमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है तो मानते हैं कि वो कंपनी अच्छी है। और देखिए, इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रमोटर अपनी प्रमोटर होल्डिंग को बढ़ा रहा है तो वो कंपनी आगे जाके अच्छा काम करेगी। तो मैं ऐसे ही कुछ स्टॉक की लिस्ट लेके आया हूँ जिन पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो उसमें से पहली कंपनी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेप्टेम्बर 2021 में इसकी प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 66.0% थी। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर 2022 की, तो यहाँ पर इन्होंने 67.49% कर दिया। मतलब बोले तो यहाँ पर 66 से 67.49% हो गया। तो कंपनी का नाम है यहाँ पर कैम्बोर्ड केमिकल से कंपनी संबंधित है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो 2021 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 66.08% थी। और अगर हम बात करते हैं 2022 की, तो यहाँ पर वो 68.12% हो गई है। और कंपनी का नाम बताएं तो कंपनी का नाम है निको पार्क्स, जो कि यहाँ पर कंपनी एक, जैसा कि आप लोग नाम से ही देख रहे हैं, निको पार्क्स एंड रिसोर्स। तो ये मैनेजमेंट वगैरह और रिटेल वगैरह फूड एंड बेवरेज में कंपनी काम करती है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 2021 में 44.99% थी। अगर और हम बात करें 2022 की, तो वो 31.96% हो गई है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो यहाँ पर 2021 में यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 41% थी, जो कि 2022 में 45% हो चुकी है। बात करते हैं हम लोग अगली कंपनी की। तो अगली कंपनी में आप लोग देखते हैं कि 2021 में या सितंबर में कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग थी वो 50.83% थी, और यहाँ पर सितंबर 2022 में यह होल्डिंग जो है वो 52.50% हो गई है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो देखिए यहाँ पर लगातार यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई जा रही है। 66.41 से यहाँ पर 68.7 हो गई है, और कोई भी शेयर इनके गिरवी नहीं रखे हुए हैं। कंपनी का नाम है क्रेस्ट वेंचर। अगली कंपनी की बात करते हैं तो आप देखते हैं 2021 में यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 37.69% थी, और अभी 62.14% हो गई है। और कंपनी का नाम है यहाँ पर पेनार इंडस्ट्रीज। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही कंपनी है, लेकिन कंपनी अच्छी है। और कंपनी यहाँ पर मेटल सेक्टर से बिलोंग करती है। इसके कई सेगमेंट हैं, कई सेगमेंट में ये कंपनी ऑयल एंड गैसेस एंड ऑटोमोटिव इंजन वगैरह हैवी वर्क्स इंजन में काम करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं तो 2021 में आप देखते हैं कि यहाँ पर 46% यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग थी, और जो कि यहाँ पर 2022 में 49% हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं जिनकी 2021 में जो परसेंटेज थी वो 67.78% थी, और जो कि यहाँ पर 2022 में 69.41% हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कंपनी थी जिन पर आप लोग नज़र बना के रख सकते हो। हो सकता है इन कंपनी में आने वाले समय में प्रोग्रेस हो, और जब प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है तो उनको कंपनी अच्छी लगी है, कंपनी के रेट आगे जाएंगे, तभी उन्होंने उसमें प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।